हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चिकन पराठा की रेसिपी, जो कि बहुत इजीली बनती है और इसमें चिकन वगैरह भी बहुत कम लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। और अगर आपको नाश्ते में बनाना है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो, तो आप चिकन को रात में ही बना के रख लें और बस जस्ट उसको सुबह में उठ के फ्राई करके और उसको बस आटा गून के आप उसमें स्टफ़ करके बना सकते हैं और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैंने लिया है चिकन, इसमें 6-7 पराठा आराम से बन जाएगा और कुछ मसाला है। तो इसमें धनिया है बिल्कुल 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा सूखा मिर्चा और हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। तो और इसमें हम सब ऐड कर देंगे और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भी हम लोग इसमें डाल देंगे। मैंने 1 चम्मच लिया है और इसे भी हम साथ में ऐड कर देंगे, सब साथ में हो गया। इसमें हम पानी भी ऐड करेंगे, देखिए पानी ऐड कर लिया। और उसके बाद हम इसे अच्छे से चिकन को गला लेंगे और चिकन को हमें इतना गलाना है कि जब हम इसे तोड़े तो चिकन आराम से इसे टूट जाए। तो इस इतना तक हमें चिकन को अच्छे से गला लेना है। तो मेरे दो से तीन सीटी तक हो जाएगा, लेकिन जब देख लीजिए अगर नहीं हो आपके 2-3 सीटी में तो आप दोबारा लगा लें सीटी, एक आध दो एक्स्ट्रा अगर ज़रूरत पड़े तो। तो चलिए हम चिकन को अच्छे से बना लेते हैं। देखिए चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है और चिकन को मैंने देखिए कितना तक चिकन को अच्छे से गलाया है मैंने, देखिए। तो इतना तक आपको ही पका लेना है चिकन को। और अगर मैंने बोनलेस लिया था, अगर आपके पास बोन वाला चिकन हो तो कोई भी बात नहीं है, आप इसे वैसे ही बना लें इस तरीके से, उसे थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में काट लें और इसी तरीके से उसे बना लें। और इतना चिकन हो जाने के बाद जब चिकन आपका ठंडा हो जाएगा तो आप उसे हाथ से इजली उसका बोन निकाल लें और अच्छे से निकल भी जाएगा, ठीक है। और आपके चिकन में अगर पानी भी रह जाए तो आप उसे ड्राई कर लें, लेकिन मेरे चिकन में बिल्कुल पानी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो इसे मैं ड्राई नहीं करूँगी, अब इसे हम आगे बनाएंगे और देखते हैं इसे मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई लिया है, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, जो हमने चिकन बना के रखा था इसको हाथ से अच्छे से इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे, देखिए इस तरीके से तोड़ लेंगे। अब इसको हम साथ में इसमें ऐड कर देंगे, ये चिकन को हम लोग भून लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे चिकन को हम भूनेंगे। ऐसे भूनने से चिकन हमारा चिकन का स्मेल है वो चला जाता है, वो चिकन का जो चिकन स्मेल नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसे बॉईल किया था तो स्मेल थोड़ा रहता है। तो इसलिए हम इसे अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लेंगे, 2 मिनट तक भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट तक भून लेंगे। मैंने 2 मिनट तक चिकन को भून लिया है। अब इसमें हम मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने इसे बारीक बारीक काट के रखा है, इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में मैंने 5-6 हरी मिर्च ली है, मैं हम साथ में इसको भी ऐड कर देंगे। और इसको हम कुछ सेकंड के लिए इसमें भून लेंगे। तो मैंने लो फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लिया है, प्याज के साथ चिकन को। और प्याज थोड़ा कच्चा ही है, पक नहीं है, प्याज अभी थोड़ा क्रंची रहना चाहिए। अब गैस को ऑफ कर देंगे हम और इसमें हम खूब सारा धनिया पत्ता डाल देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला इसको डाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पराठा के लिए एक डो तैयार करेंगे। मैंने पराठा के लिए आटा लिया है, अगर आप चाहें तो इसे मैदा में भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी,
इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा और ऐड करेंगे। मैं आटे को गूंद के फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने आटा अच्छे से गूंद लिया है। मैंने डो को बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं किया, मैंने मीडियम में इसको रखा है। देखिए, हम थोड़ा सा सूखा आटा ले, थोड़ा सा सूखा आटा मैंने लिया है, इसको थोड़ा सा हाथ में लगाएंगे इस तरीके से, और इसको हम एक छोटा सा बॉल का तोड़ लेंगे, बॉल के हिसाब से। देखिए, इतना बड़ा मैंने लिया है, इसे ऐसे हम इस तरीके से करके इस तरीके से कर देंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, बस हो गया। फिर इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे, उसके बाद इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेस करके इसको हम गोल आकार दे देंगे। ये हमारा चिकन का फिलिंग है, ये हमारा चिकन का फिलिंग है। देखिए, मैं नमक भी टेस्ट कर लिया था, नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका कम हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसको हम इस पराठे में अच्छे से इसमें भर देंगे इस तरीके से। अब कम या ज़्यादा अपने हिसाब से इसका फिलिंग भर सकते हैं। ठीक है, मैं 2 चम्मच लिया है, इसको अंदर अच्छे से प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। अगर बाहर निकले तो इसको अंगूठे की मदद से इसे अंदर प्रेस कर दें, वो अपने आप ही अच्छे से चला जाएगा। देखिए, डो बन के रेडी हो चुका है। तो सारे डो इसी तरीके से हम बना लेंगे, फिर हम पराठा बनाएंगे। तो देखिए, मैंने बॉल बना लिया है अच्छे से, और मेरा इतने सारे चिकन में मेरा 6 बॉल बना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम बेल लेंगे। इसे मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगाऊंगी, इसको ऐसे इस तरीके से आप पहले हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे, फिर इसे हम बेलेंगे। मैंने हाथ से अच्छे से इसे प्रेस कर लिया है, और इसे अब हम बेल लेंगे। मैंने थोड़ा सा आटा और लगाया है, अब इसे हम बेलेंगे। देखिए, मैंने पराठा अच्छे से बेल लिया है, और मैंने तवा चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। तवा हमारा गरम हो चुका है। देखिए, तो इसमें हम रोटी पराठा सॉरी डाल देंगे चिकन का। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे मैं रख के बना रही हूँ, तो आप मीडियम फ्लेम पे रख के बनाएं, और 5-6 सेकेंड तक एक तरफ से इसे अच्छे से सीखने दें। तो पराठे को मैंने सेक लिया है दूसरे साइड से। देखिए, पराठे के दूसरे साइड से ऐसा कलर बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। तो मैं ऑयल में उसको, मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ इसको पराठे में। अगर आप चाहें तो इसमें घी भी लगा सकते हैं और बटर भी लगा सकते हैं। दोनों तरफ से ऑयल लगा के अच्छे से हम इसे पराठे को अच्छे क्रिस्पी तक सेक लेंगे। कितना टेस्टी दिख रहा है पराठा हम लोग का। अच्छे से सेक लेंगे। मैंने इसे लो फ्लेम पे ही रखा है, और इसे हम लो फ्लेम पे सेकेंगे ताकि पराठे अच्छे से अंदर तक सिके और इस तरीके का अच्छा कलर आए इसे।
लेंगे। पराठा हो चुका है, ठीक है। अब इसे हम निकाल लेंगे इसी तरीके से। सारा पराठा हम बना, तो देखिए हमारा पराठा बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। रुके, इसका फिलिंग देखिए, इक्वली सब जगह अच्छे से स्प्रेड हुआ है देखो। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, और आपको ये रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताएं।